सरकारी भूमि से जब तक अतिक्रमण हटा नहीं लिया जाता है तब तक यह अभियान चलता रहेगा। ये हमने पहले भी कहा है कि जो भी अतिक्रमण है, जो भी अवैध कब्जा है सरकारी जमीनों पर, किसी प्रकार का भी कोई अतिक्रमण है तो उसको हम हर कीमत पर हटाएंगे, और वो हटने का अभियान लगातार जारी है और वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि पूरा अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाएगा। और इसमें हमने ये भी कहा है जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वो स्वयं इसे हटा लें। बहुत सारे लोग आज मुझे मिले भी थे, उन्होंने कहा है कि हम स्वतः ही हटा लेंगे कुछ स्थानों पर, तो अच्छा होगा स्वतः ही हटा लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे सभी का नंबर आना है। और किशोर लगातार हमारे साथ बने। किशोर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सख्त संदेश दे दिया गया और एक मैसेज भी दे दिया गया है, चाहे जितना आप विरोध करिए लेकिन सरकारी भूमि पर अगर आपने अतिक्रमण किया, अवैध कब्जा किया है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा जब तक वहां से अतिक्रमण हटा नहीं लिया जाता है। बिल्कुल, लगातार उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण जो सरकारी जमीनों पर किया गया है उसको हटाया जा रहा है। इसमें अब तक अगर अतिक्रमण के बाद करीबन 350 से ज्यादा अतिक्रमण आए गए, जिसमें सबसे ज्यादा यानी अगर 95% बात करें तो मजारों का है। अवैध तरीके से मजारे बनाएंगे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की जमीन पर, सिंचाई की, इरीगेशन की, फॉरेस्ट की, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट की जमीनों पर अतिक्रमण किया गया, उसको लेकर लगातार अभियान चल रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा है कि जो भी अवैध अतिक्रमण लोगों ने किया है वो खुद हटा ले, नहीं तो कानूनी रूप से, विधिक रूप से सरकार उनको हटाएगी, और सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। अभी भी अवैध अतिक्रमण चल रहा है, लगभग 84 हेक्टेयर जमीन फॉरेस्ट को दी गई है जिस अतिक्रमण हटाया गया, और लगातार 11,800 हेक्टेयर जो अतिक्रमण का भी फिर नोटिस किया गया है इसको लगातार काम किया जा रहा है, इस पर हटाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उत्तराखंड में जो आसपास के क्षेत्र है वहां पर बड़ी तादाद में इस तरीके से अवैध अतिक्रमण किया है, और उसको लेकर भी सरकार ने वहां पर नोटिस जब्सा किया है, नोटिस दिया गया है, नोटिस के बाद ही उनको तोड़ा जा रहा है। जिस तरीके से खबरें आ रही थी सामने कि लगातार तोड़फोड़ की जा रही है बिना नोटिस के, लेकिन सरकार और जो नोडल अधिकारी बनाए हैं वहां पर नोटिस देते हैं, नोटिस के बाद एक समय तक इंतजार करते हैं, उसके बाद ही उनको ध्वस्त किया जा रहा है। जी ठीक है किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो लैंड जायदाद के खिलाफ सरकार का अभियान लगातार जारी है और मुख्यमंत्री की तरफ से भी मैसेज दिया गया है कि अगर अवैध कब्जा किया तो उसे हटा ले वरना प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। जमीन कब्जा करने देवभूमि में एक नया मॉडल सामने आया है, बस मजार बनाई और कब्जा कर लिया। पूरे उत्तराखंड में ऐसा एक दो जगह नहीं बल्कि यह संख्या बड़ी है। लगातार इन अवैध मजारों को ढूंढा जा रहा है, फिर चल रहा है मुख्यमंत्री धामी का वो बुलडोजर जो हर अतिक्रमण को जड़ से मिटा रहा है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, गिनती कम पड़ जाएंगी लेकिन मजारे नहीं खत्म होंगी। देवभूमि धर्म की नगरी कहलाती है, लेकिन इसी नगरी में धर्म की आड़ में वो साजिश रची गई जिसे अब बुलडोजर के पंजे से खोद खोद कर बाहर निकाला जा रहा है। हल्द्वानी, आरामनगर, काशीपुर, कोटद्वार, कालसी, विकास नगर और ऐसे ही कई शहर जहां मजदारों के नाम पर अतिक्रमण का वो मॉडल बनाया गया जिसे उत्तराखंड सरकार ढूंढ ढूंढ कर बेनकाब कर रही है। इस अवैध मजदारों के मॉडल पर वो बुलडोजर दौड़ा रही है जिसका काम ही है हर साजिश को जड़ से उखाड़ फेंक देने का। सरकार सख्त है, कानून से कोई नहीं खेलेगा, फिर चाहे वो धर्म के ठेकेदार हो या मजदार के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले कब्जेदार। अवैध मजदारों का अतिक्रमण मॉडल, सरकार सख्त, दौड़ रहा बुलडोजर। धर्म का नाम, कब्जे का काम। देवभूमि में लैंड जिहाद पर प्रहार, आ,
अतिक्रमण का यह मॉडल कोई आज का नहीं है। उत्तराखंड में अतिक्रमण के नाम पर, मजारों के नाम पर यह खेल खासा पुराना है। अभी हम मौजूद है चंदन पीर मजार पर और कुछ बीते दिनों ही इसे तोड़ा गया है सरकारी बुलडोजर द्वारा। आप देख सकते हैं किस तरह से जमीन चिन्हित की जाती है, उस पर मजार बना दी जाती है। वो मजार जिसमें कब्र तो होती है लेकिन असली नहीं होती, इसके बाद एक ढांचा तैयार कर दिया जाता है और फिर उसमें रहना शुरू कर दिया जाता है। यहाँ तक कि छोटी मोटी दुकानें भी आसपास खोली जाती है जिसके कारण जो गुजारा है वो चल सके। अवैध मजारों का जो आंकड़ा है काफी बड़ा है और चौंकाने वाला है, लेकिन जो उत्तराखंड सरकार है इसके खिलाफ सख्ती से कार्य कर रहे हैं। जिन मजारों पर उत्तराखंड में एक्शन जारी है उन मजारों के बारे में आप पहले जान लीजिए। उत्तराखंड में मौजूद वन अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि जिन मजारों पर बुलडोजर चला है उन मजारों पर अभी तक किसी ने दावा नहीं किया, तो कई मजारे ऐसे भी हैं जिनमें से मानव अवशेष तक नहीं मिले। यानी साफ है कि मजार की आड़ में कोई है जो लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर काम कर रहा है। हमें सरकार इस साजिश की परतें खोलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। अवैध मजारों का पता लगाने के लिए ड्रोन के साथ सैटेलाइट इमेज का भी सहारा लिया जा रहा है। कोशिश यही है कि हर अतिक्रमण का खुलासा हो और जो आंकड़ा अब तक 355 पहुंचा है वो और बड़ा हो जाए। देहरादून से किशोर रावत, रामनगर से रोहित गोस्वामी के साथ टीम न्यूज़ 8।